हाँ और वाइफ्स तो करती रहती हैं, लेकिन दोनों मिलके करेंगे तो एक मजा भी आता है, अच्छा टाइम निकल जाता है। बहुत नॉर्मली अच्छा लगता इस प्रोफेशन में, स्पेशली सिंगर्स की लाइफ जो ऐसी होती है ना, मोस्टली ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, दो इट्स वेरी टफ टाइम, बट इसको अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो जितने भी सिंगर्स हस्बैंड्स हैं ना, वो अपनी वाइफ्स को पूरा टाइम दे पा रहे हैं। नॉर्मली दे आर फ्लाइंग, गोइंग हियर एंड देयर, अपने बच्चों करेक्ट के साथ भी टाइम नहीं बिता पा रहे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड विद योर वाइफ्स एंड गिव देम योर लाइक सारा, जितना पिछले या पिछला अगला सारा प्यार लुटाओ। नहीं वैसे तो आई थिंक सो मैं क्या कहता हूँ, बहुत शोज के लिए ट्रेवल होता है ना अपनो, हमारा आपका भी होता है, वीकेंड्स में तो हम होते नहीं है, हाँ जी वीकेंड्स में मेरे दो बच्चे स्कूल नहीं होते, उनको घर पे रहते हैं, तो आई मिस दैट थिंग। तो मैं मंडे से फ्राइडे में कहीं नहीं जाता, आपने भी देखा होगा मैं बॉम्बे में कहीं इधर उधर बहुत कम, आपके बर्थडे में आता हूँ, दो चार पार्टी में आता हूँ, तो ये होता है उल्टा। मैं श्वेता को मतलब श्वेता अभी और ज्यादा हुआ, तो श्वेता पहले कुछ दिन तो डर गई हो, लेकिन अब तू मेरे सर पे बैठा रहेगा क्या, हेलो हाय कहता रहे ये बोले तू थोड़ा अपने कमरे में जा, थोड़ा सा कुछ रिश्तों का नमक दूरी होता है तो और मैं तो इतना ज्ञान बांट दी और यहाँ पे उल्टा ही निकला। नहीं वेल, श्वेता जो लोग अपनी वाइफ्स को टाइम नहीं देते, चलो मैं चेंज करती हूँ अपनी स्टेटमेंट, जो जो हस्बैंड अपनी वाइफ्स को टाइम नहीं देते, इस लॉकडाउन डाउन का फायदा उठाएं और अपनी वाइफ्स को पूरा टाइम दें, उनको हेल्प करें उनके घर के कामों में। स्पेशली एक मेरे दोस्त हैं विपिन रनेजा, वो भी जुड़े हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करते अपनी वाइफ के साथ, तो मैं रोज उस पर गुस्सा करती हूँ, तू क्यों नहीं काम कर रहा उसके साथ। ये सबके सामने बोल दे रहा हूँ ऐसी बात मैं तो ऐसे ही हूँ और ये सब मुझे जानते हैं। मुझे पता है, मैं से डर डर के आया हूँ आज वेल, बहुत अच्छा लगा आप आए, सब लोग बहुत थोड़े दो चार नाम अगर आप शुरू में पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं तो सबको अच्छा लगेगा, आपकी पूरी फैन क्लब इधर है, अरे वाह क्या बात जितने भी है, आप पढ़ सके, दो चार पांच छह जितना। यासु मेरी वाइफ भी बहुत जल्दी जाता है कमेंट्स यहाँ, अच्छा आपके मैं यहाँ पढ़ के बहुत बताऊं, बहुत लोग हैं आपके यहाँ, मैं कौन पढ़ कौन के मेरा, बताऊं। कौन मेरा पापोन चेक की बो, आप पढ़िए ना, आपको शायद आदत सी होगी हाँ, उनका भी। पापन सिंह, मोहब्बत करने वाले प्लीज जरूर अरे वाह गाएंगे, आप उनको जवाब देते जाओ। इनका नाम है काजल शर्मा। काजल जी, हम कोशिश करेंगे। अरे श्वेता भी आ गई लाइव, अरे बाप रे, ओके मेरी बीवी भी देख रही है कहीं से हाय दूसरे कमरे से देख श्वेता, रही होगी ओहो आज तो उधर प्रतिभा, इधर आप, इधर श्वेता और जान उमंग, मैं तो क्या थोड़ा बात सा है। सोच समझ के बोल रहा हूँ बातें। ये श्वेता ही है, बार बार तो नहीं रुक सकती है, कोई और हो सकता है, उसको इतना नहीं हेलो हाय की पड़ी है वैसे भी। तो पुलकित म्यूजिक बहुत कुछ लिख रहे हैं, कलिता कोई 6504 लिख रहे हैं, दीप ज्योति लिख रहे हैं, म्योमार हर्ष B27 मोमो के धागे, और हाय रिचा श्वेता सिंह आई सॉ। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। इट्स डिफिकल्ट टू चूज पापोन का कौन सा गाना अच्छा नहीं है। बाप रे, निरुषा वाह बोल रही हैं कि ऐसा कौन सा गाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, निरुषा कह रही हैं आपके लिए, आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? एक्चुअली कारण यह है कि मुझे गाने ही बहुत कम मैं गाता हूँ, इतने चंद गाने हैं, तो उसमें आई थिंक गलत सही का नहीं निकलता है, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा देखता भी हूँ कि मैं जो निभा पाऊँ वही गाता हूँ, उतने गाता हूँ बस गाया हूँ, तो शायद वही कारण है, लोगों को लगता है कि सब अच्छे हैं लेकिन है तो उतने, तो ठीक है अच्छे हैं। थैंक यू सो मच बट फॉर सेइंग दैट, दिस कीप्स मी गोइंग। सबसे ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करें मोहब्बत करने वाले, तो एक बार बोल दो, हम यहीं पे बैठे हैं सुना देंगे, बोल दो, हाँ तसल्ली हो बिल्कुल जाए सुना उसकी। देंगे मोहम्मद करने वाले, हाँ कोशिश करेंगे सुना दे। एनीवे रीता, प्लीज सिंग क्यों ना हम तुम, जी वो भी होगा। ओके माय okay. ब्रदर बिट्टू भैया इज देयर, वो भी जुड़े अच्छा हैं। हेलो बिट्टू भैया नमस्कार, कहाँ है, वही बिट्टू नोएडा भैया मतलब दिल्ली है, फरीदाबाद। दिल्ली है, दिल्ली, हाँ दिल्ली फरीदाबाद, यस यस। अच्छा अच्छा एक और बात बताओ, मेरी फैमिली में तुमने बहुत बार, कैलिफोर्निया से कोई बोल रहा है, हाँ सैन बोलो बोलो होजे से बोलो, बोल रहे हैं, बाप रे क्या प्लीज प्लीज जवाब दो। बात, नहीं और लुकिंग फॉरवर्ड बोला है, हम भी लुकिंग फॉरवर्ड है, हाँ बताइए। मैं ये बोल रही थी, एज यू नो पहले भी बताया आपको, लेकिन ये क्योंकि सब इस वक्त लाइव देख रहे हैं, घर में बैठ के चाय वाय हाथ में लेके पूरा मतलब ग्रुप बना के बैठ के देख रहे हैं ये लोग, और मेरी फैमिली के सभी, और स्पेशली माय सिस्टर, वो मतलब मैं भी कितना अच्छा गाती हूँ पापोन,
भी लगा दिया मेरे आपके सिस्टर, आई लव योर सिस्टर, है ना, वो कितनी प्यारी सी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदे को पसंद करती है, दैट इज पापोन। और सच्ची पता में बोल रहे हो आप? भगवान कसम लाइव चैट पे बोल रही हूँ, मतलब वो हर साल यहाँ पे एक बार आती है, और जब गणपति के दौरान तुम आते हो ना, वो एक ही बात पूछती है, वो तुम्हारा वो वाला दोस्त कब आएगा पापोन, मुझे उसके साथ फोटो चाहिए। हाय हाय, थैंक यू रिचा जी, वो थैंक यू सो मच शी इज रिचा। सेइंग गॉड ब्लेस यू एंड हेलो टू यू। अरे उनका नाम इधर क्या है? नहीं, वो एक्चुअली बिट्टू भैया के आईडी से अच्छा, मैसेजेस आईडी से ही भिजवा रही लिखा है, है। अच्छा, तो हाँ। बिट्टू भैया सेइंग ग्रेट शख्सियत पापोन। हाय हाय बिट्टू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए, आपने ये शाम तो सुहानी ये कर, रुकेगा नहीं, शाम सबसे सुरीली पहले तो हो ना मैं हो, ये गाना सुहानी तो हो चाहूंगी। गई है। अच्छा, ये नहीं, प्रतिभा बोल सुरीली रही तो है, आई वांट टू सी यू 100% ब्रेक डांस। दिखाओ क्या मुझे? एक एक बार हो जाए, आप पापोन खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होके, खड़े होके नहीं आएगा नहीं ना। आ जाएगा, थोड़ा दूर जाओ, आ गया, आ रहा है, आ रहा है। ये प्लीज यार, क्या करवा रहे हो मुझसे? प्रतिभा तुम मार खाओगे। और आपको लोगों को सबको पता होगा, प्रतिभा ने रिसेंटली किया ना आपके साथ यहाँ पे, ये एक मैं पहली बार लोगों को कह दूं, प्रतिभा जी मेरे पहले वाले बॉम्बे के फ्लैट में थे, रहते थे इनकी बहन, और मुझे पता भी नहीं था कि ये छोटी सी लड़की है, क्या है, क्या गाती है। अब इनके सामने गाने को शर्म आता है, ये ऐसा गाती है, तो Oh, मैं that's कह so दूं बस। sweet. That's so sweet. She is definitely a great singer. I love her the way, मतलब जैसे एक अपनी खुद की सगी बहन होती है, मैं उनको वैसे प्यार करती हूँ. आप बहुत दिनों आप लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत बार ये हाँ, बताओ। she is my जान. एंड अब खैर ये बातें फिर खत्म नहीं होंगी, क्विकली मैं पूछना चाहूंगी पापोन, आपका जन्म जो है, आपका यू बॉर्न इन गुवाहाटी आसाम, राइट? जी तो इन शॉर्ट मुझे जल्दी से सबको थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि आपका बचपन कब तक आप गुवाहाटी में थे, और संगीत में कैसे घुसे, एक छोटा सा एक अगर बता दे तो. तो मेरे मम्मी और पापा दोनों म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। पिताजी ने, क्योंकि उस जमाने में बिल पे करने के लिए भी पैसे चाहिए जो आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट तो ऐसा था ना कि आप गाना गाते क्या बात, वैसे करते क्या है, वो वाला था करेक्ट, ना एक हाँ, जमाने में। करते क्या, करेक्ट. और ये मुझे पूछा गया था श्वेता के घर लखनऊ में, पूछा था श्वेता ने जब बोला दिल्ली में हम मिले, श्वेता वाज इन निफ्ट इन दिल्ली, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो निफ्ट में पढ़ती थी मैं, और निफ्ट के सामने मैं दिल्ली में पढ़ता था। सो निफ्ट के सामने ऐसे लड़कियां दिखने जाते थे हम लोग, तो श्वेता मिली। तो श्वेता मिली, तो श्वेता फिर जो भी हुआ, फिर वो मिश्रा है यूपी के पंडित, हाँ, और मालूम है. उनको बंगाल, बंगाल के बाद तो सारा चाइना नेपाल जैसा ही सब कुछ मिक्स है, इंडिया लोगों को पता नहीं क्या है इन दिल्ली में खासकर। तो हमको भी बहादुर बहादुर ऐसा ही बुलाया जाता था, जी साहब वही है। तो श्वेता को बोला अच्छा गाना, श्वेता ने बोला बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनके माँ बाप भी गाते हैं। तो एक्चुअली पूछा गया था अच्छा गाना गाते हैं क्या बात, उनके फैमिली में बहुत म्यूजिक अच्छा है, सुनते हैं लोग, नाचते हैं सुनते हैं, वैसे करता क्या है वो था लेकिन है ना सवाल, तो सीरियसली था। एनीवे, तो पिताजी ऑल इंडिया रेडियो में थे, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे कंपोजर के, उससे उनको तनख्वाह उससे मिलता था घर चलाने के लिए, और मेरे ऊपर एक तरह से बहुत दबाव था म्यूजिक का, क्योंकि होगा ही जब मेरे माँ बाप इतने बड़े फनकार हैं, तो सब चाहते थे कि पर ये ये भी आप बात बनेगा, कर ये रहे भी हो अच्छा व्हेन यू गाएगा। वर हाउ, मतलब हाउ ओल्ड यू वर, कितने हाँ साल के थे मतलब आप? स्कूल के एंड की तरफ से, स्कूल में भी प्रेशर होता था कि म्यूजिक हाँ, टीचर बोलते थे, और मैं नहीं गाया, मैंने स्कूल में गाना ही नहीं गाया, मैंने गिटार बजाया, हारमोनियम बजाया, ताकि वो कोरस होता था तो लड़कियां गाती थी कोरस में, मैं कन्हैया हारमोनियम लेके टाइम निकाल देता था। वेरी लेकिन शरारती बॉय. वेरी शरारती बॉय आई नो, लेकिन मैं ज्यादा पेंटिंग करता था मेरे बचपन में, तो मैं गाता, म्यूजिक में कुछ था नहीं, तालीम दी गई थी माँ के, गुरुजी थे अनिमेश दत्त जी, वो नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ है तो इसको सिखा, माँ को बोलती थी, गुरुजी सर ने मुझे सिखाया, और सिखा, तालीम लिया, खोल सिखा, ये सिखा, तबला सिखा, लेकिन म्यूजिक परस्यू नहीं करने का प्लान था, ऐसा कुछ प्लान था आर्किटेक्ट बनने का, क्योंकि मैं ड्रॉ पेंटिंग करता था, तो आई इसीलिए ऑल्सो मैं लाइक दिल्ली। टू स्केच. हाँ हाँ अरे हाँ वाह, किसी दिन वो भी करेंगे है यस ना। तो दिल्ली चला गया मैं आर्किटेक्चर पढ़ने को, एंड फिर वहाँ आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, उसी में कुछ हुआ दिमाग में ऐसा कि वो भी छोड़ दिया, फिर कॉलेज वहीं पे ज्वाइन किया इंग्लिश ऑनर्स, वो भी कंप्लीट नहीं किया,
आधा अधूरा सब कुछ, सब तालीम आधा है जिंदगी में, तो आधा आधा लेकिन करके नहीं, हमें। मैंने तो सुना है कि आपने तो इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी लिया, प्लस आप वो डिवोशनल बोर गीत आपका जो फोक होता अरे है वाह, उसका भी आपने ट्रेनिंग लिया, क्या क्या? और आप यू कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, खोल एंड गिटार, हारमोनियम, ऑल ऑफ, मतलब आपको इंटरेस्ट म्यूजिक ने फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो गई ना, ये मोहब्बत सब का था प्रेशराइज शायद। करते करते. हाँ मोहब्बत तो हमेशा से था, है ना, वो तो क्योंकि वो ब्लड में है, जीन में है, माहौल में था, तो वो तो होना ही था। लेकिन उसको इसी से मैं, ये मेरा मतलब काम होगा करके नहीं सोचा था कभी कि इससे मैं कुछ कर पाऊंगा। मैं गाऊंगा, मुझे पता था कि मैं मस्ती के लिए, तो काफी टाइम लगा जब तो दिल्ली जो में आया वक्त मैं। था जब आप अपना आसाम गुवाहाटी थे, म्यूजिक कर रहे थे, तो उस वक्त डिवोशनल आपने एल्बम्स भी किए, तो एक शुरुआत एक उसी बिहू में या आपका आपके अपनी लैंग्वेज में एक दो चार लाइनों से थोड़ा संगीत की शुरुआत की जाए तो कुछ सुनाएंगे. ठीक है, तो क्या सुनने बताइए। मैं बोरगीत एक हो गया, बिहू अलग चीज हो गया, बिहू भी गाऊंगा एंड में अगर जरूरत पड़े। एंड नहीं, बीहू मेरे बीच में खुद के गाएंगे भी तो आसमीज बोर गीत गाने आप हैं। सुना दीजिए, थोड़ा दो लाइनें बोर गीत सुना दीजिए. ओके, सो एक घोखा होता है बोरगीत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपको कभी सुनाऊंगा। एक्चुअली मैं आज तो मतलब छोड़िए, नहीं, मतलब आपके बहुत बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड। गुवाहाटी से लोग जुड़े हैं तो दे विल बी रियली हैप्पी कि पापोन दास स्टार्टेड विद देयर यू नो ओके, रूट्स, थैंक यू सो फॉर सेइंग दैट, एंड इट्स नो. डिवोशनल। आप भी, आप जिस घराने से आते हैं, आपका जो फैमिली का बिल्कुल माहौल है, बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल. तो ऋचा जी आपको ये भी बता दूं कि मेरे, फॉरगेट अबाउट म्यूजिक बीइंग म्यूजिक, जो घर में था, मेरे तीन पूर्वज मतलब जो भी है ना जनरेशंस के, हम लोग वैष्णव, नियो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं। शंकरदेव करके हमारे एक थे जो सेंट ऑफ असम, 600 साल पहले से अब तक वो चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है वो संगीत का, मतलब नाम कीर्तन वाली बात है। तो हमारे लिए भगवान निराकार है, लेकिन हम ओ, एक शरण करके, लेकिन हम प्रार्थना और कीर्तन करते, तो और इसीलिए हमारे फैमिली साथ में वो था। उसमें दुर्गा राग बेस भी जसराज, है, बहुत अलग तरह दुर्गा का राग जसराज जी भी जुड़ गई हैं, दुर्गा जसराज जी जुड़ गई हैं, एंड शी है। इज सेइंग टू ओहो दुर्गा सुपर जी कैसे टैलेंटेड हैं। म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, सो आप उनको हेलो हाय बोल दीजिए, शी इज वॉचिंग अस हाय, राइट नाउ. आई नो, हम हाल ही में मिले थे, थैंक यू, उसमें बोरगीत के आसपास ही मिले थे, कुछ किया था मैंने। तो कैसे हैं दुर्गा जी, सुनाइए. थैंक यू। आप नर्वस भी है। तो एक गुखा होता है जो बिना ताल का होता है, बिना लय का होता है, तो उससे शुरुआत होती है। मैं बस प्रार्थना है, आर यू कैरिंग गिटार ए और जाना समथिंग? श्री राम। ओके, गिटार के साथ क्या गाया, प्रार्थना है वैसे तो। तानपुरा अरे तो सुर तो लगता है, है क्या मजा आपके आता है ना. पास, तानपुरा है, कौन सा बताओ, सुर बताइए कौन सा दूं. कहाँ पे पकड़ा था अभी मैंने, मुझे पता नहीं। टी डी ऐसा कुछ, सी डी कुछ, दा बी ए दा डी डी फॉर दिल्ली। डी हम दोनों दिल्ली से हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा हाई है, चलेगा, हाँ गाता हूँ। ना, हाफ नोट नीचे करती. ओ जाना श्री राम, नमो निजो, মুলবিদ সঞ্জীবনী প্রাণ প্রবেশ জন শ্রী রাম নম নিজ মূল বীজ সঞ্জীবনী প্রাণ জার প্রবেশ वाह, तानपुरा बस इतना गाता हूँ मैं कम आ रहा शुरुआत के था, लिए। तानपुरा कम आ रहा था कि आपको, कि ज्यादा आ रहा था? इसकी हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे
वो तानपुरा फट के आ रहा है, आई थिंक जो गा रहा है उसी तरफ होने से अच्छा होगा. एनीवे